हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के दूसरे अध्याय जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे पद की व्याख्या करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धन तोरे, और देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपत हुन दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। बोले चितै परसु की ओरा, रे सठ सुनो सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोचि बस, करसि महीस किशोर। गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में परशुराम जी द्वारा धनुष टूटने का कारण पूछने पर लखनलाल जी उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि लखनलाल जी हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सारी धनुष एक समान है, और इस पुराने धनुष को तोड़ने में कैसा लाभ और कैसी हानि। और लखनलाल जी आगे बताते हुए कहते हैं कि हे मुनिराज जी, इतना ही नहीं, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, अर्थात हमारे भैया ने तो सोचा कि ये नया है, और यह तो छूते ही टूट गया, और इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। हे मुनिराज जी, आप बिना कारण किस लिए क्रोध किए जा रहे हैं। और लखनलाल का इतना कहना था कि परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए। बोले चितै परसु की ओरा, रे सठ सुनो सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव सुना है, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, तुम केवल मुझे मुनि ही मत समझो। अब बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो परशुराम जी का अहंकार थोड़ा और बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि क्रोध में इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है। परशुराम जी आगे अपने बारे में और अधिक बताते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी होने के साथ साथ अत्यंत क्रोधी भी हूँ। विश्व भर में मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ, और इतना ही नहीं, मैंने अनेक बार इस धरा को, इस पृथ्वी को राजाओं से हीन किया, अर्थात बिना राजाओं के कर दिया, और इस संपूर्ण धरा को मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। परशुराम जी आगे कहते हैं कि सहस्य बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। वो कहते हैं कि अरे राजा के पुत्र, सहस्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फंसे की ओर देख। वो आगे कहते हैं, मात पितै जन सोचि बस, करसि महीस किशोर। और गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। जन्म देने वाले अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत कर, मेरे इस फरसे को ध्यान से देख, यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नष्ट करने वाला है। तो इस तरह से लखनलाल के शब्दों से आहत होकर के परशुराम जी की जो क्रोधाग्नि है वह बढ़ती जा रही है। आइए हम लोग एक नज़र भाव सौंदर्य पर डालते हैं। भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम और परशुराम दोनों के प्रताप की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, और साथ ही साथ लखनलाल और महामुनि परशुराम जी के उद्गार को भी बड़े सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। काव्य सौंदर्य यहाँ लक्ष्मण के वचनों से उनकी स्वाभाविक विशेषता व्यंजित हो रही है। परशुराम की वीरता और क्रूरता भी अभिव्यंजित हुई है। हसी हमरे काज करिए कत, सट सुने सुभाऊ। बालक बोली बधौ जड़ जानहि, बाल ब्रह्मचारी विपुल बार में अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। ओज गुणयुक्त शब्दावली है, वीर तथा रौद्र रस भी विद्यमान है। चौपाई दोहा छंदों का सुंदर निर्वाह हुआ है। प्रवाह पूर्ण संगीत में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है।